बाबा गुरु नानक के 592वें जन्मदिन की तकरीबात पाकिस्तान में जारी हैं। ननकाना साहब के इलाके से हमारे नुमाइंदे कमर अब्बास हमें बताएंगे कि आज आखिरी दिन की तकरीबात कैसी रही। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे रोड ननकाना साहब में, जहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी थी। मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन गुरुद्वारा जन्मस्थान से शुरू हुआ है, जो अपने मंजिल की जानिब गामजन है, जिसमें हजारों सिख यात्री शरीक हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यात्री मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं वो नगर कीर्तन के मतलब क्या कहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। असी भारत तो आए हाँ धन गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व शामिल होने वास्ते, जो कि नगर कीर्तन अज जिहड़ा है ननकाना साहब तो प्रारंभ होया है। सतगुरु धामां दे दर्शन करन तो बाद कैरा साहब पहुँचेगा, उस तो बाद फिर जिहड़ा है नगर कीर्तन की समाप्ति श्री ननकाना साहब जाके होगी। असी सरकार का, पाकिस्तान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़े ही अच्छे इंतजाम किए हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बड़ा सत्कार किया है, थले दरे मैट बिछाए गए हैं। असी यही बेनती करते हैं पाकिस्तान सरकार अगर सानू इस तरह विजय देंदे रहन, ताकि असी हर साल जिहड़ा है इत्थे आके नगर कीर्तन में शामिल हो सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जी आपने सुना, उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंतजाम किए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनकी अपील है कि इस तरह जो हुकूमत हमें हर साल विजय दे और हम अपने गुरु करें के जो है वो दर्शन कर सकें। जी जनों, आओ गुरु तेग दी बख्शी फतेह दी सांझ करिए। वाहेगुरु जी का खालसा। गोल्डन टेंपल दी नींह रखी गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने रखाई, पीर बुद्धू शाह ने चार 1964 साढ़े संगत आईया ने इंडिया के विचों, उन्हें समुचिया संगत वालों सिंह जी शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उन्होंने सहायता भी भेज दें, ताकि वह गुजारे लिए अपना कर सकन। अज भी असं उन्होंने 1,47,000 तनखा लेके आए हैं। जे सानू इजाजत दी जाए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1,000 कमरा बनाना चाहती है, जे सानू जो जिन्होंने हमेशा समुची मनुखता के भले लिए अपनी आवाज बुला। सहायता भी भेज दें, ताकि वह गुजारे लिए अपना कर सकन। अज भी असं उन्होंने 1,47,000 तनखा लेके आए हैं। Oh, my God.
ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਧਾਰੀ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
और बहुत अच्छे तरीके नाल सारे बोलते हैं। सानू लगता भी नहीं है कि असी इन्नी दूर आए हैं, सानू लगता सी अपने इत्थे ही घूम रहे हैं इंडिया, साडा दिल भी नहीं करता इत्थों जाण लई। अज असी इत्थों जा रहे हैं पर साडा मन बहुत भरिया होया है, असी इहदा धन्यवाद करदे हैं। असी यादां गुरु नानक देव जी दियां सारियां, उहनां दे इतिहास बारे सब कुछ, इस करके मैं तो यही सारी संगत नूं इंडिया दी नूं कहूँगी कि बढ़ चढ़ के इत्थे तुसीं दर्शनां लई आओ। और जिस तरह उत्थे कहा जाता है कि भई उत्थे परेशानियां आउंदियां, इस तरह दा इत्थे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तुसीं अपने आप चल के आओगे तो खुद देखोगे कि इत्थे किन्ना अच्छा व्यवहार, किन्ना अच्छा अरेंजमेंट कराया जाता है। बहुत अपनापन लगा जी, बिल्कुल करेगा आगे। बहुत दुख हो रहा है, इत्थे आके बड़ी खुशी हुई है, गुरु साहब जी दे सारे स्थानां दी कोई जी जी। सब जबरदस्त, हमें बहुत मजा आया यहाँ पे, फैसिलिटीज एक नंबर थी, सब बहुत मजा आया हमें, बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, कीर्तन में, नगर कीर्तन में, सब जगह बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, हमारा तो हर साल दिल करता है, इंतजाम कैसे भी हो हमारा दिल हर साल करता है। वाहेगुरु ने बुलाया तो ज़रूर आएंगे, सब उसके हुक्म से होता है, उसने बुलाया तो हम ज़रूर आएंगे। एक हमारी एक ही शिकायत है, क्योंकि हम सिंध से बहुत यात्री आते हैं लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये